अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम आपको हर वीडियो में बताते रहे कि हम टूवल पर आएँगे आएँगे आएँगे। बेला आखिर हम टूवल पर डीजल लेके पहुँच चुके हैं और सामने हमारा टूवल है। मैं टूवल पर पहुँच चुका हूँ, मेरे साथ मेरे कज़न है तैयब। बाकी जो हमारी फ़ौज है वो मैं पहले वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आ गया था, मतलब जो एक सवा एक बजे वाली मस्जिद थी मैं उसमें नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। बाकी जो है नमाज़ पढ़कर और जो पिकनिक का सामान है वो साथ लेकर आएंगे, जैसे कि वो आतिफ आसी वाले जो मेरे फ्रेंड है वो पीछे हैं, मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैंने फ़िलहाल टूवल बंद करवाया हुआ कि टूवल मैं ताकि वीडियो भी बना लूँ। जब ये इंजन चलेगा तो बहुत ज़्यादा शोर करता है, इस वजह से मैंने फ़िलहाल टूवल बंद करवाया हुआ है कि जब वो आएंगे तो फ्रेश ताज़े पानी के साथ हम नहाएंगे। ये है जी हमारे एक प्यारे दोस्त का टूवल है, ये टूवल है जी, ये टूवल है, ये इंजन है और वो यहाँ से पानी बाहर जाता है। स्पेशली थैंक्स मैं अपने दोस्त को कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने उन्हें कहा कि यार हमें टूवल चाहिए आज नहाने के लिए, आज हमारे दोस्त आ रहे हैं या आज हम दुकानदार आ रहे हैं या आज हम फ्रेंड मतलब आज पिकनिक करने के लिए आ रहे हैं या हमारे कुछ आउट ऑफ सिटी से कज़न वगैरह या दोस्त आए हैं, जब भी हमने उससे कहा कि हमें टूवल की ज़रूरत है तो पहले ही कहने पे हाँ भाई जब मर्ज़ी आ जाओ चला लो। हालांकि वो कहता है कि तेल भी आप ना लेके आना, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि तेल पीछे पड़ा हुआ है कि तेल हम अपना लेके आते हैं, कि इतना भी अगले पर बोझ ना डालें कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। लेकिन खैर दोस्त अच्छा है हमारा, कभी भी उसने हमारा कहना नहीं टाला, जब हम कहते हैं कि टूवल चाहिए तो बिस्मिल्लाह लब्बैक जब मर्ज़ी आ जाए। तो अभी इंतज़ार हो रहा है इंशाल्लाह दोस्तों का, जैसे ही आते हैं तो स्टार्ट करवाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। A few moments later, मैं इस वक्त स्विमिंग पूल के ऊपर खड़ा हूँ और स्विमिंग पूल भी ऐसा है जैसे एक इंजॉय करने वाला एक होता है। मेरे पीछे मेरे दोस्त आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्विमिंग पूल सबसे छोटा, छोटे बच्चों के लिए, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ स्विमिंग पूल छोटा छोटे बच्चों के लिए, फिर उसके बाद ये मीडियम स्विमिंग पूल है दरमियाने बच्चों के लिए, फिर उसके बाद ये जंबो वाला, ये जंबो वाला स्विमिंग पूल जो है बड़े बच्चों के लिए। स्विमिंग पूल देख के गर्मी में, सख्त शदीद गर्मी में स्विमिंग पूल देख कर मुझे गुरीला वाली फीलिंग आ रही है। हमजा के साइज़ का भी स्विमिंग पूल है और ये जो हमारा बर्फानी रिच है इसके लिए भी एक, इसके साइज़ का भी एक स्विमिंग पूल रखा हुआ हमने। दोस्त हमारे ने मुस्तकबिल की फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए वो स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। तो मतलब तैरना नहीं आता आपको, कोई नहीं सिखाएंगे, पानी के अंदर मछली जब आ जाए तो उनको तैरना खुद ही आता है। मतलब हमजा के साइज़ का भी स्विमिंग पूल है और असद के साइज़ का भी और हड्डे वास्ते भी। हमारे आने से पहले यहाँ कुछ बच्चे नहा रहे थे, जब ज़्यादा जने नहाते हैं तो पानी ना थोड़ा सा गंदला हो जाता है, फिर इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले वाला पानी है वो बाहर निकल जाए और हमारा ग्रुप नहाए। अभी ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं नहाने आए हैं। अब ये आए कहाँ से हैं, वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हमारा शहर है वहाँ से ये बच्चे पैदल नहाने आए हैं, फिर अब आए हैं, इनका वो खर्चा गर्मी तो निकल जा रहा है जो इतना ये सफ़र करके आए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये टूवल हमारा, ये टूवल है और जैसे ही चलेगा इंशाल्लाह फिर स्टार्टिंग करते हैं स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल और स्विमिंग पूल के बिल्कुल ऊपर ये जामुन का दरख्त है और ये अमरूद का और ये फिर से अमरूद का दरख्त है। मतलब कोशिश कर रहे हैं इसके साथ साथ जो है वो और भी दरख्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगले चंद महीनों में या साल तक लगा लें स्विमिंग पूल के चारों तरफ दरख्त ही दरख्त होंगे और ये घने दरख्त होंगे, ये स्विमिंग पूल उनके अंदर घिर जाएगा, धूप होने का नाम नहीं लगेगी। क्योंकि अगर जब आप स्विम इसमें पानी में टूवल के पानी में जब आप नहाते हैं ना तो जो चीज़ आपकी बाहर होगी, जैसे ये मेरे आदि मतलब टी शर्ट पहनी, ये जो बाजू मेरे बाहर हैं ये सारे गर्मी की तपिश की वजह से, सूरज की तपिश की वजह से ब्लैक हो जाते हैं। आज तो मैं ग्रिप भी नहीं पहन के आया वरना ये गर्मी से बचाने के लिए हम ग्रिप जरूर पहनते हैं। टूवल हमारा स्टार्ट हो चुका है, पिकनिक के लिए आ चुके हैं हमारे समोसे पकोड़े
और साथ में फालसे। ये मेरी सारी लेबर, ये बिलाल, आसिफ, आतिफ और नईम भाई बांदरों की तरह मस्तियां कर रहे हैं। ओह नो, आसिफ, ये मैं हूँ, ये मेरी गंदी हवा है। खाने के बाद खाने का टाइम शुरू हो चुका है। माशाल्लाह ये हमारी टीम पूरी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा मुल्क का जवानों, आराम से आराम से। ये नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा, वहाँ से पानी आ रहा है। ये पानी है और झील के किनारे, छोटी सी मुनी सी झील के किनारे बैठ के हम अपनी रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। ये बिरयानी और हमारी कोल्ड ड्रिंक्स। आपने अगर खाना हो तो आ जाएँ सतबिल्ला, पर मुझे लगता है कि इस वक्त 4 बजे आपने खाना खा लिया होगा। एक टोली ये खड़ी है हमारी, माशाल्लाह जवान लगे हुए हैं। एक टोली वो लगी हुई है, माशाल्लाह जवान लगे हुए हैं। एक टोली ये हमारा पहलवान लगा हुआ है, रूसी पहलवान। एक टोली वो खड़ी है, बाकी अभी हमारे कुछ ये कुछ भाई अभी आए हमारे। लगे रहो मुन्ना भाई। यकीन करें आज जो मज़ा आया दोस्तों के साथ, उसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। हम अक्सर आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जितना मज़ा आज आया उतना मज़ा पहले कभी नहीं आया। लिहाजा आज का व्लॉग करते ही ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। खास तौर पर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर चढ़ के ना डम 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 शुरू हो जाओ। जिस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है, मुझे वैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, हक बनता है। आमिर इकबाल को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।